व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गिट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और हम लोगों ने गिट को वहाँ पर इंस्टॉल किया था। gitscm.com में हम लोग गए थे और विंडोज़ के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया था गिट को किस तरह इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम लोगों ने गिट को इंस्टॉल किया था, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे गिट GUI हेयर और गिट बैश हेयर के दो ऑप्शन मिले थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग एक गिट रिपोजिटरी बनाकर किस तरह गिट का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्जन कंट्रोलिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर गिट रेपो लिख देता हूँ और मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट गिट रेपो लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट गिट रेपो और मैं यहाँ पर जो है इस फोल्डर को बना लूंगा। गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे गिट के वीडियोस डालूंगा, मशीन लर्निंग के वीडियो डालूंगा, डेटा साइंस के वीडियो डालूंगा और मैं चाहता हूँ डायरेक्टली आपको यूट्यूब होम पेज पर मिले। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आलसी फील हो रहा है तो सिर्फ इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दे पाऊंगा। हम लोगों ने अपनी गिट रिपोजिटरी वाला फोल्डर बनाया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर घुसूंगा या राइट क्लिक करके गिट बैश हेयर पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गिट बैश हेयर पे क्लिक करूंगा, पहला कमांड गाइस जो आप लोगों को मानना चाहिए वो हमेशा रहना चाहिए आपका गिट स्टेटस। आप लोग जैसे गिट स्टेटस मारेंगे ये बोलेगा फेटल नॉट गिट रिपोजिटरी, बोलेगा आपकी रिपोजिटरी तो गिट रिपोजिटरी है ही नहीं। तो यहां पर जो है इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए, अगर मैं यहाँ पर अपना पुराना कमांड गिट -- वर्जन जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था वो लिखूं तो ये बता रहा है कि 2.18 गिट आपने इंस्टॉल कर रखा है। अब ये गिट स्टेटस लिखने पर इसने बोला फेटल, इट्स नॉट अ गिट रिपोजिटरी। तो पहला कमांड जो आप लोगों को हमेशा रन करना चाहिए देखने के लिए वो होना चाहिए गिट स्टेटस, यानी कि क्या स्टेटस है, जो स्थिति है वो क्या है। तो ये बताता है गिट स्टेटस वाला कमांड। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर गिट इनिट लिखूंगा। तो ये कमांड आप लोग जो है ध्यान से सुनिए, इसको कहीं लिख लीजिए अगर हो सके तो। वैसे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूंगा सारे के सारे कमांड ताकि आपको कॉपी वॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े, लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो गिट स्टेटस मार के मैंने देखा कि ये मेरी गिट रिपोजिटरी नहीं थी। तो इस खाली रिपोजिटरी को एक गिट रिपोजिटरी कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम गिट इनिट लिखते हैं, यानी कि मेरी इस रिपोजिटरी को गिट रिपोजिटरी के तौर पर इनिशियलाइज कर दो। जैसे मैंने ये कमांड मारा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर। अब क्या है कि ये किस तरह काम करता है, मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ इस चीज़ पर। इसने एक डॉट गिट नाम का यानी कि एक हिडन फोल्डर बना लिया है यहाँ पर। मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो गिट बैश है वो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। तो जो यूनिक्स के कमांड्स होते हैं उसकी तरह इनका सिंटेक्स रहता है। यूनिक्स मतलब जो लिनक्स वाला हमारा जो चलता है सिंटेक्स, वो उस तरह का रहता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ls मार सकता हूँ, यहाँ पर मैं cd करके चेंज कर सकता हूँ और उस तरह के कमांड मैं यहाँ पर जो है मार सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी एक empty फाइल बनाऊँगा। कोई भी यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर न्यू फाइल कर दूँगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर दूँगा और index.txt उसको कर दूँगा। मान लीजिए मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज़ वर्जन 1 ऑफ माई सॉफ्टवेयर। कंट्रोल s से इसको सेव करता हूँ और इसके बाद मैं एक utils.txt बनाता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर utils.txt, इसके बाद मैं लिखूँगा utility functions for version 1। मैं यहाँ पर कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाकर यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं आप लोग को साथ साथ गिट सिखाऊँ सॉफ्टवेयर बनाऊँ। तो आप लोग अभी ये समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा कोड है वर्जन 1 मेरे सॉफ्टवेयर का, और ये भी एक बहुत बड़ा कोड है जो कि जिसमें यूटिलिटी फंक्शंस है, यानी कि जो ये index.txt है वो इसको यूज़ कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस लिखूंगा तो ये बोलेगा कि यार कमिट तो आपने कुछ किया नहीं है लेकिन आपके पास दो अनट्रैक्ड फाइल है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए कमिट ओमिट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले गिट किस तरह काम करता है इसको समझने के लिए चलिए एक आप लोग को इमेज दिखाता हूँ। बेसिकली गिट इस तरह काम करता है, हमारे पास एक वर्किंग डायरेक्टरी होती है, एक स्टेजिंग एरिया होता है और गिट रिपोजिटरी होती है। अब आप लोग अभी कुछ ऐसा समझ लीजिए कि वर्किंग डायरेक्टरी के कोड को अगर मुझे कमिट करना है तो मुझे उसको स्टेजिंग एरिया से गुजारना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मेरी ये फाइल्स हैं, मैं इनको स्टेज कर रहा हूँ, यानी कि मैं इनमें चेंजेस करूँगा और इनके चेंजेस को ट्रैक करूँगा, मैं इसको स्टेज कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अगर अपने उस प्रोजेक्ट को उस स्थिति में सेव करना चाहता हूँ तो मैं कमिट कर दूंगा, मैं बोलूँगा मैं कमिट कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कमिट कर दिया है वो सेव हो जाए तो मैं उसको टैग वगैरह भी दे सकता हूँ, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बेसिकली स्टेज का मतलब है कि आप लोग को पहले स्टेज करना पड़ेगा उसके बाद आप लोग को कमिट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ अभी आप समझ लीजिए। आने वाले टाइम में मैं आप लोग को बताऊँगा कि डायरेक्टली कमिट क्यों नहीं करते हैं और स्टेज करके कमिट करने का क्या फ़ायदा है और क्यों ऐसा गिट को बनाया गया है। तो अभी कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है अपनी फाइल में, पहले स्टेजिंग होगी फिर उसके बाद मैं कमिटिंग करूँगा, और कमिट एक बार मैं कर दूंगा तो वो वर्जन मेरा सेव हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। तो वो वर्जन एक नाम से सेव हो जाएगा, इसी को कमिट कहते हैं।
तो मैं आप लोग को अभी वापस से अपने गिट बैश में लेकर चलता हूँ, और मैं गिट ऐड माइनस ए कमांड या फिर गिट ऐड डॉट को रन करूँगा। अब गिट ऐड डॉट से क्या होता है कि सारे की सारी फाइल्स जो हैं वो स्टेज हो जाती हैं। मैं एंटर मारूंगा तो मेरी सारी की सारी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में आ गई। मैं अगर यहाँ पर फिर से एक स्टेटस लिखूंगा तो आप लोग देखिए, इस बार ये रेड कलर से नहीं दिखा रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल, ये अनट्रैक्ड फाइल नहीं बोल रहा है, पहले ये बोल रहा था अनट्रैक्ड फाइल्स, अब ये बोल रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, कह रहा है कि भाई कमिट कर दो चेंज ताकि सेव हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं अगर यहाँ पर गेट कमिट लिख दूँ और उसके बाद माइनस एम, उसके बाद लिख दूँ वर्जन वन, ये सिंटैक्स होता है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। कमिट अगर आप लोग कर रहे हैं तो कमिट लिखते हैं, फिर माइनस एम लिखते हैं, उसके बाद मैसेज लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। मैं एंटर मारूंगा तो मेरे चेंजेस कमिट हो गए। इसने बोला टू फाइल्स चेंज, टू इंसर्शंस, इसने बोला कि दो लाइन इंसर्ट की गई है इन दो फाइल्स में, एक एक लाइन दोनों में की गई है। अब इसके बाद मैं आप लोग को एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा किसने क्या चेंज किया है? तो चेंज को देखने का कमांड होता है गिट लॉग। जैसे मैं गिट लॉग में जाऊँगा तो ये देख बोल रहा है कि जो हैरिस भैया थे उन्होंने ये चेंजेस किए हुए हैं। मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल और अपना जो नाम है वो सेव करके रखा हुआ था गिट में। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ अपना नाम और ईमेल, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ गिट और उसके बाद मैं लिखूँ config माइनस माइनस ग्लोबल, माइनस माइनस ग्लोबल मतलब सारी रिपोजिटरीज के लिए, यानी कि अगर कल मैं कोई दूसरे रिपोजिटरी को भी गिट रिपोजिटरी बनाना चाहूँ तब भी ये ईमेल और नाम लागू होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पेस देकर यूज़र डॉट नेम, और मैं अपना नाम यहाँ पर टाइप कर दूँगा, और अपना नाम टाइप करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना ईमेल टाइप कर दूँगा, और मेरा जो ईमेल है वो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा माइनस माइनस ग्लोबल। और वैसे मैंने अपना गलत ईमेल ऊपर टाइप किया होता तो मैं अभी असली ईमेल अपना टाइप करूँगा, और मैं लिखूँगा अपना ईमेल वापस से यहाँ पर, तो मेरा ईमेल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसके बाद मैं अगर कुछ कमिट करूँगा, तो मान लीजिए मैं भी यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं इसको वर्जन 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, फिर वापस से इसको वर्जन 1 को वर्जन 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर गिट स्टेटस लिखूँगा तो ये बोलेगा कि भाई आपने मॉडिफाई कर दिया रे दो फाइल्स को। मैं क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट करूँगा कि मेरी सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करो, और गिट कमिट लिखूँगा मैं, गिट कमिट माइनस एम, और उसके बाद मैसेज, ओ सॉरी मैंने गलती से एंटर दबा दिया, लिखूँगा वर्जन 2। अब यहाँ पर देखिए टू फाइल चेंज, टू इंसर्शंस, टू डिलीशंस, तो ये बोल रहा है आपने दो फाइल चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर गिट लॉग रन करूँगा तब ये देखिए मेरा असली नाम और असली ईमेल बता रहा है, कह रहा है जंगल मंगल जंगल एट मंगल डॉट गॉव ने ये चेंज किया है, वर्जन 2 बनाया है, यानी कि तो मैंने वर्जन 1 अपना कमिट मैसेज डाला था पहले वाले कमिट में, अभी मैंने डाला है वर्जन 2। हर कमिट के करस्पॉन्डिंग एक हैश होता है, वो एक बहुत बड़ा सा नंबर होता है, नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होता है, उससे एक कमिट को यूनिकली डिफाइन किया जा सकता है। आने वाले वीडियोस में आप लोगों से और बात करूंगा। अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि माइनस माइनस ग्लोबल हम लोगों ने क्यों यूज़ किया था। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, माइनस माइनस ग्लोबल अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप अगर कहीं और रिपोजिटरी बनाते हैं तब भी वो आपका लागू होगा, लेकिन अगर आप लोग माइनस माइनस ग्लोबल मान लीजिए नहीं लगाते हैं तो ये सिर्फ इसी रिपोजिटरी के लिए आपका नेम और ईमेल डिफाइन होगा। तो ये था मेरा फर्स्ट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज़ करने का तरीका। तो अब आप लोग इस वीडियो के बाद कम से कम अपनी फाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं गिट से। अगर आप लोगों ने वर्जन 1 बनाया कमिट कर दीजिए, फिर उसके बाद वर्जन 2 बनाया कमिट कर दीजिए, वर्जन 3 बनाया कमिट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग अगर अपना वर्जन 1 डाउनलोड करना चाहते हैं 10 साल के बाद, और मान लीजिए आपका वर्जन 10 बन गया है, तो आप कर सकते हैं उसको डाउनलोड अगर आप लोगों ने गिट से इस तरह चेंजेस अपने ट्रैक कर रखे हैं तो। लेकिन अगर आप लोग एक फाइल पे काम कर रहे हैं, एक फोल्डर को आप चेंज करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, और बाद में आप लोग को पता चलता है यार वर्जन 1 में तो मेरा ये फीचर काम कर रहा था, वर्जन 10 में काम नहीं कर रहा है, अब यार वर्जन 1 तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने वर्जन 1 को एडिट करके वर्जन 10 बनाया है, काश मेरे पास वर्जन 1 होता ताकि मैं देख पाता कि उसमें क्यों काम कर रहा है और इसमें काम क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के अफसोसों को बचाने के लिए आप लोगों को गिट यूज़ करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो डिज़र्व करता है एक लाइक, तो एक लाइक दबाइए, और अगर आप लोग को नहीं लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है दबाने की। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि आपने कुछ सीखा और आप लोगों को इस चैनल से कुछ फ़ायदा हुआ और आने वाले टाइम में भी हो सकता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आप लोग को ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं वापस आगे देख लूँगा इस चैनल को, तो सिर्फ मेरे लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाऊँ। सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।